सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 10,000 रेंट पे रह रहा हूँ। अच्छा। बिजली का बिल है, मैं तो यही से पूरे कर ले। अगर रिक्शे बंद हो गए तो हमें क्या मिलेगा? 15 दिन का टाइम दिया हुआ, हम 15 दिनों में ये तो लोहे के बाहर जाएगा। फिर ये 4-4.5 लाख का ये रिक्शा है, यही बात है। क्या हम खाएंगे घुमाएंगे? जो ये बंद है ये हमारी होती पान गया, क्या खाएंगे हम? तो ये बंद हो गया, हम घुमाएंगे इधर खाएंगे किधर गए? भाजी शुक्र है अल्लाह का, 2,000-2,500 कमा लेते हैं। लेकिन एक बच्चे की गलती है, एक बच्चे की वजह से पूरे पाकिस्तान को तो नहीं ना नुकसान पहुंचा सकते, सारा हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा अगर चिंचिंग बांध। क्या कहेंगे हमारे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि किसी एक बच्चे की गलती की सजा सारे पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए। भाजी मैं दिहाड़ी पर रिश्का चलाता हूँ, मेरा अपना रिश्का नहीं है, तो ये 500 रुपया भाजी इसकी दिहाड़ी है, और 1,500 रुपया मैं कमाता हूँ, और खर्चे घर के बहुत ज़्यादा बिल बहुत आते हैं। एक बंदा कमाता है, अब मेरे 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 1 मेरी बहन, हम 7 आदमी है। मैं अकेला कमाता हूँ, 7 आदमी खाते हैं। हमारे पास और कोई ना इतना पैसा कारोबार करने के लिए, ना ही हमें किसी ने देना है, तो ये कमा कर इसके हक लाल सुबह निकलते हैं, शाम को लेके जाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं। नहीं और की काम करना, फिर परेशानी है और की काम करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मेची। नाज़रीन इस टाइम हम लोग मौजूद हैं एमिया कॉलेज के बाहर, जहाँ पे चिंचिंग रिक्शा काफ़ी तादाद में पाया जाता है। स्टूडेंट्स भी आते हैं और आउट ऑफ सिटीज से भी आए हुए जो लोग होते हैं वो चिंचिंग रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। लेकिन अब चिंचिंग रिक्शा बंद कर दिया जाएगा, ये ऐलान कर दिया गया है। भाई रिक्शा आप कब ने? अभी देखिए ये दिहाड़ी पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रिक्शे बंद करें। अब ये देखें ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 10,000 रेंट पे रह रहा हूँ। अच्छा। बिजली का बिल है, मैं तो यही से पूरे कर ले। अगर रिक्शे बंद हो गए तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया है कि रिक्शे चिंची जितने भी बेरोजगार, सारे जो भी चिंची चला रहे हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? भी बाहर निकलते हैं ना, हमें आधे से ज़्यादा चिंची वाले ही नज़र आते हैं। अभी देखे ना, जो बाइक से आए होते हैं गांव वाले, मुसीबत से मारे आए होते हैं गांव में, गांव से, वो सोचते हैं कि चलो यार और काम नहीं मिलता, अच्छा नहीं वो पड़े होते, उनका यही रहता होता है कि यार चलो ये चिंची बना लें, कोई अपना रोज़गार बन जाएगा। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अच्छा। मेरा 10,000 रेंट है, बिजली का बिल लगा लें, गैस का पानी का लगा लें, मैंने रिक्शे से पूरे कर लें। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर ही आ जाएंगे। पहले ऊपर से इतनी महंगाई है, क्या करें? घी नहीं पूरा होता, आटा नहीं पूरा होता, क्या कर सकते हैं? अब ऐलान तो इन्होंने कर दिया हुआ है कि 15 दिनों में मैक्सिमम, इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया हुआ, हम 15 दिनों में ये तो लोहे के बाहर जाएगा। फिर ये 4-4.5 लाख का ये रिक्शा है, 4-4.5 का रिक्शा है, जब ये बंद हो गया तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। वैल्यू कहाँ से लेगी फिर? हम गवर्नमेंट का दरवाज़ा कैसे, हम गरीब बंदे हम कैसे खटखटा सकते हैं कि यार हमारी सुनो? वो पहले भी गरीब आवाम की सुनते, पेट्रोल इतना महंगा उन्होंने पहले किया, अब कहते हैं जी फिर सस्ता होने लगा, कोई ये सब बातें हैं, क्या करें हम? इनको बस दुआई दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पैगाम जो आप देना चाहें नकवी साहब को? नकवी साहब को मेरा यही पैगाम है, खुदारा हम पे रहम करे, हम गरीब अब हम कहाँ जाएंगे? आपकी मेहरबानी होगी, ये जो हमारा रोजगार है वो खुदा के लिए चलने दे, आपकी मेहरबानी होगी, बस यही मेरा है पैगाम। अंकल ये चिंची रिक्शा आपका अपना है? नहीं, दिहाड़ी देगा। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं इसमें? 1,000-1,200-1,500 कमा लेते हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो है उसने कह दिया कि आने वाली यकम से ये चिंचिंग रिक्शा बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद अभी क्या रोजी रोटी होगी? है तो हूँ ला दे आती जी की दसी होंगे भाजी, है गल कितने मजदूरी करांगे फिर आ जाके, हम जो गुजारा नहीं होंगे, जिनी महंगाई हो गई है ना, 1,000-1,500 रुपया घर का खर्चा चाहिए, उंज नहीं होंगे। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को की कहना, से यही कहेंगे कि ना बंद करो। भाई ये रिक्शा आपका अपने? जी दिहाड़ी पे चला रहे हैं। कितनी दिहाड़ी ले लेते हो? 700 रुपया दिहाड़ी देते हैं। 700 रुपया दिहाड़ी में गुजारा हो जाता है? नहीं होता है, हम आप खाएं तो बच्चों को खुवाएं, ये बात बिल्कुल। लेकिन हमारी हुकूमत कह रही है ये चिंचिंग रिक्शा बंद कर देना यकम तरीक से, उसके बाद क्या कमाएंगे क्या खाएंगे? यही बात है, क्या हम खाएंगे घुमाएंगे, जो ये बंद है ये हमारी रोटी पान गया, क्या खाएंगे हम? ये बंद हो गया, हम घुमाएंगे इधर खाएंगे थे किधर गए? बिल्कुल। क्या कहेंगे हुकूमत से? इसको चलने दे, हमारी रोजी चल रही है, बच्चे खाएंगे, हम खा रहे हैं। और अगर हुकूमत इसके अलावा आपको कुछ और दे देती है चलाने के लिए, फिर बहुत फायदा होगा हमारा, सब बंद हो जाना चाहिए। हाँ जी, लाइसेंस बन गया, हर शह बनी हुई है, हर चीज बनी हुई है, लेकिन आपका कहना है रिक्शा बंद नहीं होना चाहिए, आपकी रोजी रोटी है, चलते हैं हम खा सकते हैं,
दिन कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं, हमारी रोजी चल रही हुई है। भाई ये चिंची रिक्शा आपका है? जी बाजी मेरा ही है। कितनी देर से आप ये रिक्शा ड्राइव कर रहे हैं? मैं बाजी तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में एक दिन में कितना कमा लेते हैं? बाजी शुक्र है अल्लाह का 2,000-2,500 कमा लेते हैं। अच्छा 2,000-2,500 कमा लेते हैं, लेकिन हमारे जो हुकूमत है वो आपकी चिंचा रिक्शे की जो आपकी रोजी रोटी है ये बंद करना चाह रही है, चिंची रिक्शा की। तो ये चिंची रिक्शा अगर बंद हो गया तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बाजी, ये रिक्शा बंद कर ही नहीं सकते। अगर रिक्शा बंद हो जाता है ना तो हमारी आधी से ज़्यादा जो पाकिस्तान की आवाम है वो रोड पे ऊपर पैदल चलेगी, क्योंकि चिंग चिंग नहीं ना होगा तो कोई भी सवारी ऐसे ही नहीं जा सकती। अगर चिंग चिंग रिक्शा नहीं होगा तो ऐसे नहीं जा सकती। चिंग चिंग ये बंद कर ही नहीं सकते। देखे ना, एक बच्चे की गलती है, एक बच्चे की वजह से पूरे पाकिस्तान को तो नहीं ना नुकसान पहुँचा सकते, सारा हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा अगर चिंग चिंग बंद। क्या कहेंगे हमारे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे कि किसी एक बच्चे की गलती की सज़ा सारे पाकिस्तान को नहीं देनी चाहिए, तो कल से काम ले। ठीक है, इन्होंने कहा लाइसेंस तैयार करें, हम लाइसेंस बनवा रहे हैं। मैंने मैक्सिमम हफ्ता पहले गया हूँ, 3 दिन लगातार गया हूँ मैं थाने के बाहर, उनके साथ बात की है। उन्होंने कहा जी कि हम आपका लाइसेंस रेडी कर देंगे, थोड़ा सा टाइम मिले। रश लगा होता है तकरीबन 3 दिन, हफ्ता पूरा जाया किया, दिहाड़ी नहीं लगाई, लाइसेंस तैयार कर। लाइसेंस अप्लाई नहीं हुआ? लाइसेंस अप्लाई हो गया है भाजी। मैं दिहाड़ी पर रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा। मेरा अपना रिक्शा नहीं है तो ये 500 रुपया भाजी इसकी दिहाड़ी है, और 1,500 रुपया मैं कमाता हूँ, और खर्चे घर के बहुत ज्यादा बिल बहुत आते हैं। और हमारे सुनने में आया पहले तो भाजी लाइसेंस का रोला था, वो हमने लाइसेंस बनवा लिया। हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अगर वो सुन रहे हैं सैयद बादशाह नकवी साहब जो हुक्मरान है, मैं खुद नकवी हूँ, तो करोड़ों दुनिया परेशान हो जाएगी। एक बंदा कमाता है, अब मेरे 4 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 1 मेरी बहन, हम 7 आदमी हैं। मैं अकेला कमाता हूँ, 7 आदमी खाते हैं। हमारे पास और कोई ना इतना पैसा कारोबार करने के लिए, ना ही हमें किसी ने देना है। तो ये कमा कर इसके हक लाल सुबह निकलते हैं, शाम को लेके जाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं। अगर वो इस पे रहम करें, ये रश्के बंद ना करें, तो हमारा रोजगार चलता रहे, और जितनी करोड़ दुनिया अरबों दुनिया ने परेशान हो जाना इससे। तो मेरी उनके आगे अपील है, अगर वो सुन रहे हैं, वो तो सैयद हैं, उनका मुकाम बहुत ऊँचा है, तो वो कोई रहम करें गरीब आदमियों के ऊपर। तो जो हक लाल की रोजी कमा रहे हैं, तो ऐसे हमारे मुल्क के अंदर पूरा माशरा और बड़ा ख़राब हो जाएगा। आगे जेलें थाने बड़ी हुई हैं बुरे कामों के साथ, तो जो हक लाल के काम जब रोजी रोटी खींच ली जाए फिर बुरे काम किए जाते हैं। और कोई देखे जो वक्त जा रहा है, घर बैठ के गुजारा होना ही नहीं, काम करेंगे तो गुजारा होना, बच्चों ने खाने के लिए मांगना, तो वो रिश्ते ना बंद करें, उनकी मेहरबानी, वो गरीब आदमियों को ऐसे रोजी कमाने दें। इससे एक बंदा कमाता है और 8 बंदे खाते हैं, और उनकी उनकी मेहरबानी होगी, और हम कुछ नहीं कर सकते। वो बंद भी कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं उनका कर सकते। जी बिल्कुल, रिक्शा चलाते हैं। अपना है? हाँ जी बिल्कुल अपना है। कितना कमा लेते हैं? 2-3 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 2-3 हज़ार दिहाड़ी? हाँ जी। लेकिन अब आपकी रोजी रोटी अगर बंद हो गए, चिंग चिंग रिक्शा बंद हो गया, फिर कहाँ से कमाएंगे? मेरे यही तो परेशानी है, बंद होना नहीं चाहिए, साड़ी रोजी रोटी लगी है, बंद होना नहीं चाहिए। अगर हो गया तो परेशानी बनेगी, इतना पैसा ला के तैयार किया है, बंद हो गया साड़ा, किसे लिखे भी नहीं। नकवी साहब से क्या कहेंगे? उन्होंने ये साड़ी गुजारिश है भी बंद ना होए, ये बंद ना हो। अगर ये बंद हो जाता है, इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं, और की काम करना, फिर परेशानी है, और की काम करना। कितना कमा लेते हैं? 1500-1600। कितना? 1500-1600। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने बोला कि यकम से रिक्शा बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? ये पहले गले ये बंद जो करेंगे, जो गरीब है वो तो मर जाएगा, उसको मैं उसको बचता भी यही हो जाए। ये कहते हैं चाहिए आईडी कार्ड बनवाओ, तो ऐप बनवाओ, तो उसको खर्चा वो आगे जाओ ना, पहले गले वो बात नहीं सुनते, दफ्तर वाले बात नहीं सुनते। हाँ जी, नहीं सुनते, कहते ना पहले वो फलान चीज ले आओ, फलान चीज ले आओ, उसके लिए मैंने आया था, पहले उधर भी टाइम जाया करे, फिर गड्डी बंद कर देते हैं। भाई रिक्शा आप कब ने? अभी देखिए, ये दिहाड़ी पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि रिक्शे बंद करें। अब ये देखे ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं 10,000 रेंट पे रह रहा हूँ। अच्छा। बिजली का बिल है, मैंने यही से पूरे कर लिया। अगर रिक्शे बंद हो गए तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया कि रिक्शे चिंची जितने भी बेरोजगार, सारे जो भी चिंची चला रहे हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे?
हम लोग भी बाहर निकलते हैं ना, हमें आधे से ज्यादा चिंची वाले ही नजर आते हैं। अभी देखिए ना, जो बाइक से आए होते हैं गांव वाले, मुसीबत से मारे आए होते हैं गांव में, गांव से, वो सोचते हैं कि चलो यार और काम नहीं मिलता, अच्छा नहीं वो पड़े होते, उनका यही रहता होता है कि यार चलो ये चिंची बना लें, कोई अपना रोजगार बन जाएगा। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अब मेरे माशाल्लाह चार बच्चे हैं। अच्छा। मेरा 10,000 रेंट है, बिजली का बिल लगा लें, गैस का, पानी का लगा लें, मैंने रिक्शे से पूरे कर लें। अगर ये बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर ही आ जाएंगे। पहले ऊपर से इतनी महंगाई है, क्या करें? घी नहीं पूरा होता, आटा नहीं पूरा होता, क्या कर सकते हैं? अब ऐलान तो इन्होंने कर दिया हुआ है कि 15 दिनों में मैक्सिमम, इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। हम 15 दिनों में ये तो लोहे के बाहर जाएगा फिर, ये 4-4.5 लाख का ये रिक्शा है, 4-4.5 का रिक्शा है, जब ये बंद हो गया तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। वैल्यू कहाँ से रहेगी फिर? हम गवर्नमेंट का दरवाजा कैसे, हम गरीब बंदे हम कैसे खटखटा सकते हैं कि यार हमारी सुनो? वो पहले भी गरीब आवाम की सुनते, पेट्रोल इतना महंगा उन्होंने पहले किया है, अब कहते हैं कि फिर सस्ता होने लगा, कोई ये सब बातें हैं, क्या करें हम? इनको बस दुआई दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। वही एक पैगाम जो आप देना चाहें नकवी साहब को? नकवी साहब को मेरा यही पैगाम है, खुदारा हम पे रहम करे, हम गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? आपकी मेहरबानी होगी, ये जो हमारा रोजगार है वो खुदा के लिए चलने दे, आपकी मेहरबानी होगी, बस यही मेरा है पैगाम।